हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में जान लिया था, वैद्युत विभवांतर जान लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव जान लिए थे। कुछ एक दो हेडिंगे हैं, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, निरच्छी स्थिति पर जो वैद्युत विभव है, इन दोनों हेडिंगों को टाइम कम होने की वजह से हम लोग जो है क्रैश कोर्स में उसको शामिल नहीं किए हैं। वो हेडिंग है आपकी पहले चैप्टर में अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पे हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको अगर दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग उस हेडिंग को भी एक बार देख लेंगे, एक बार आपको बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं, आप लोगों को टाइम का नुकसान न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने हेडिंगों पर आते हैं। आज की टॉपिक क्या है? संधारित्व तथा धारिता। संधारित्व क्या होती है? व्हाट इज कैपेसिटर? क्या होती है संधारित्व? तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संधारित्व क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा कि यह एक प्रकार का पात्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यह एक प्रकार का पात्र होता है, यह एक प्रकार का निकाय होता है। अब कहोगे निकाय, पात्र, बर्तन, ये सर क्या बता रहे हैं? हाँ, जो बता रहे हैं वो सही है। हमने क्या बताया? यह एक प्रकार का क्या होता है? पात्र होता है। यह एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें क्या करते हैं? आवेश को संग्रहित करते हैं। इनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किए बिना, इनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, और इसमें पर्याप्त रूप में आवेश को क्या कर दिया जाता है? संग्रहण किया जाता है, आवेश को रख दिए जाते हैं, यानी वो क्या कहलाता है? आपका संधारित्व कहलाता है। तो हम बता सकते हैं संधारित्व एक ऐसा पात्र होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेश को संग्रहण करके रखा जाता है, जिसमें आवेश को संग्रहित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, तो लिख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं? लिखते हैं संधारित्व। ठीक, संधारित्व एक ऐसा पात्र होता है, एक ऐसा पात्र होता है, ठीक, संधारित एक ऐसा पात्र होता है जिसमें आवेश को संग्रहण किया जाता है या आवेश को संचित किया जाता है। ठीक, तो आप इस संधारित्व को ये लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, संधारित्व जो होती है वो संधारित्व का सिद्धांत जो होता है, आखिर संधारित्व कार्य कैसे करती है वो हम लोग जरा सा समझते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि अगर आप सोचिए जरा सा कि यदि कोई, आप क्या लीजिए, एक धनावेशित प्लेट लीजिए। क्या लीजिएगा? आपने क्या कहा, हम मान लेते हैं आपको क्या बताते हैं, ये कोई आपने प्लेट ले लिया, ठीक है, इसको प्लेट ले लिया। अब क्या करोगे कि जब इसको आप लोग क्या दोगे, क्यों आवेश दोगे? तो क्या आवेश दोगे भैया? क्यों आवेश दोगे? हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि इस पे आवेश की मात्रा क्या है? प्लस क्यू है, जिसपे समान रूप से क्या थे? वितरित थे। क्या थे भैया? समान रूप से वितरित थे। और ये प्लेट कोई क्या था? ए था। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बना देते हैं भैया, संधारित्व का सिद्धांत। संधारित्व का सिद्धांत क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आइए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि एक कोई क्या ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए। एक कोई प्लेट ले लीजिए जिस पे हमने क्या कह दिया कि जिस पर आवेश की मात्रा क्या है? प्लस क्यू है। जिस पर आवेश की मात्रा क्या है? प्लस क्यू है। अब क्या करते हैं कि जब इस प्लेट को किसी अन्य प्लेट के संपर्क में लाते हैं, किसी अन्य प्लेट के समीप लेके जाते हैं जो कि अनावेशित होता है। क्या होता है? अनावेशित होता है। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों कि जब कोई किसी आवेशित प्लेट को अन्य अनावेशित प्लेट से जोड़ दिया जाता है तो इस संधारित का जो विभव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमने क्या बताया कि किसी भी एक समांतर प्लेट को जिसपे आप लोग क्यों आवेश दिए हो और इसको जब आप लोग किसी अनावेशित प्लेट से जब जोड़ देते हो तो इस प्लेट का विभव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे इस प्लेट की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिससे इस प्लेट की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर इसी प्लेट को आप लोग किसी धरती से या भू संपर्कित कर दिया जाए, अगर इसी प्लेट को हम लोग किससे संपर्कित कर दें, भू से संपर्कित कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें,
तो इस प्लेट का विभव और कम हो जाएगा, और जिससे इस प्लेट का विभव और कम होगा तो इस प्लेट की जो धारिता होगी और बढ़ जाएगी। तो संधारित्र के जो सिद्धांत है, संधारित्र की जो कार्य करने का सिद्धांत है, इसी प्रकार संधारित्र कार्य करता है। हमने क्या बताया, एक बात और बता देते हैं कि माना कोई एक प्लेट है जिस पे हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिस पे हम लोग कोई आवेश देते हैं, और उसको किसी अन्य प्लेट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो कि अनावेशित है। तो जैसे अनावेशित प्लेट से जोड़ते हैं तो इस प्लेट का विभव कम हो जाता है, और इस प्लेट का विभव कम हो जाता है तो इस प्लेट की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर उसी अनावेशित प्लेट को अगर भूमि से संपर्कित कर देते हैं, भूमि से जोड़ देते हैं, तो इस प्लेट का विभव और कम हो जाता है, जिसके कारण इस प्लेट की धारिता और बढ़ जाती है। तो ये संधारित्र का क्या होता है, सिद्धांत होता है। ठीक, तो अब हम लोग आपकी अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक होती है संधारित्र की धारिता। अभी हम बात करते करते बता रहे हैं कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, घट जाती है, ताकि धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो चलिए हम लोग अगली हेडिंग बना लेते हैं, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, संधारित्र की धारिता हम मानते हैं, माना कोई क्या है भैया, निकाय है, माना कोई पात्र है जिसको हम लोगों ने क्या दिया, क्यू आवेश दिया। हमने क्या बोला भैया, क्यू आवेश देते हैं। माना कोई प्लेट है जिसको हम लोगों ने क्यू आवेश दिया, तो क्यू आवेश देने पर उसमें क्या हो जाएगी, उसके विभव में V बढ़ जाएगा, या हम कहते हैं उनके विभव में क्या हो गई, V की वृद्धि हो गई। यदि किसी प्लेट को क्या लिखते हैं, जरा सा आपको समझाते हैं, यदि यहाँ मानते हैं, यदि किसी प्लेट को क्यू आवेश दिया जाए, को क्यू आवेश देते हैं, तो विभव में V की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, विभव में V की वृद्धि हो जाती है। तो तब जो विभव होगा वो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, दिए गए आवेश के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। यानी जितना हम लोग आवेश देते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा विभव का मान बढ़ता चला जाता है। प्यारे बच्चों, एक बार और समझ लीजिएगा, ये कोई पात्र हो गया जिसको हम लोगों ने क्या आवेश दिया, क्यों आवेश दे दिए, तो क्यों आवेश दे दिए, तो इसके विभव में क्या हो गई, V की वृद्धि हो गई। तो ये जो V होता है, दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल क्या हो गया, अनुक्रमान क्यों। अब ये प्रोपोर्शनल को हटा लेते हैं तो एक नियतांक लगा लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिसको हम लोग कहते हैं V इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू क्यू। V इक्वल टू क्या आ गया, सी इंटू क्यू। अब आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है, या तो आप ऐसे लिख सकते थे, इसी लाइन को आप लोग मिटा के जरा सा ऐसे लिख सकते थे, आपने क्या किया कि दिया गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, ध्यान से आप जरा सा समझिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक आपने क्या लिखा, क्यू आवेश देते हैं, तो क्यू आवेश दिए तो प्लेट में उसके विभव में क्या हुई, वी की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वी की वृद्धि हुई, यानी क्यू प्रोपोर्शनल क्या है, वी। यानी अगर हम लोग क्या कहते हैं, एक बार फिर से समझ लो प्यारे बच्चों, कि अगर हम क्यू आवेश देते हैं तो उसके विभव में V की वृद्धि होती है, न कि V को वृद्धि करने पर आवेश बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा, हमने कहा क्यू आवेश दिए तो V में वृद्धि हुई। तो इस नियत प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, तो Q बराबर क्या आ गया, C इंटू वी। सी ही क्या होती है, वहाँ चालक की धारिता होती है। तो V को अगर हम लोग पक्षांतर कर दें तो Q अपान क्या आ गया, Q अपान V इक्वल टू क्या आ गया, C आ गए। तो जहाँ C क्या होती है, चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता होती है। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, कि अगर हम लोग क्यू आवेश देते हैं तो विभव में उसके V की वृद्धि होती है। वो V जो है दिए गए आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आवेश का मान बढ़ाते चले जाओगे तो विभव का मान बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार संधारित्र जो चालक की धारिता आ गई, ये आ गई। तो बात आती है कि चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता होती है कि किसी, आजकल के आप जानते हो कि अगर किसी पात्र के जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती, जैसे आप लोग क्या गए बाजार गए, अब बाजार से अगर आप लोगों ने क्या लाया,
कि आप बाज़ार से जाते हो, अगर बर्तन कुछ खरीदने जाते होंगे आप लोग, तो बाज़ार में क्या करते हैं कि आप 5 लीटर का मुझे बाल्टी दिखा दीजिए, 10 लीटर की बाल्टी दिखा दीजिए, ये जो 10 और ये जो 5 है वो इसकी क्या बता रहे हैं आप, कैपेसिटी बता रहे हैं, इसकी धारिता बता रहे हैं कि अगर हमको 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है तो ये इसकी 5 लीटर क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें हम लोग 5 लीटर कुछ वस्तु रख सकते हैं, 5 लीटर कोई पेय पदार्थ रखा जा सकता है। उसी प्रकार किसी संधारित्र की कैपेसिटी बताने वाला, किसी संधारित्र की कितनी कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। तो संधारित्र में क्या रखा जाता है, आवेश को रखा जाता है। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता ही, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। ठीक, ये हो गया इस प्रकार। चलिए अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, जरा सा पता कर लेते हैं इस धारिता सी का मात्रक क्या होता है और इस धारिता सी की विमा क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा, संधारित्र की जो धारिता होती है सी, तो सी की मात्रक का चर्चा करते हैं भैया, तो सी का मात्रक तो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक, किसका मात्रक हो जाएगा भैया, क्यू का मात्रक बटे क्या हो जाएगा, वी का मात्रक, क्यू का मात्रक बटे वी का मात्रक। अब क्यू, क्यू क्या होता है भैया, आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और वी, वी क्या होता है, विभव होता है, तो कूलाम बटे क्या हो गए, वोल्ट हो गए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं, क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो अर्थात संधारित्र की धारिता के दो दो मात्रक होते हैं, एक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड दोनों होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसकी बीमा की चर्चा कर लेते हैं, तो सी की बीमा, तो सी की बीमा क्या हो जाएगी, क्यू की बीमा, किसकी बीमा भैया, क्यू की बीमा, और पूरे के अपान क्या हो जाएगा, वी की बीमा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्यू की बीमा क्या आती है, एटी आता है, क्या आता है, एटी आता है, और वी, वी बराबर आप लोगों ने इससे पहले विभव, विभव की बीमा आपने निकाला था, क्या निकाले थे भैया, विभव होता है डब्लू अपान क्यू नाट, डब्लू अपान क्यू नाट, तो निकाल सकते हैं, ये आ गए एटी आ गए, और इनकी बीमा निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो जाएगा, और अपान क्या आ जाएगा, क्यू नाट, तो क्यू नाट क्या हो गए, एटी हो गए। अब ये एटी कहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऊपर, तो यहाँ ए के पावर एक और ए के पावर एक क्या हो गए, ए के पावर टू, टी के पावर एक और टी के पावर एक मिलके कितना हो गया, टू हो गए, और बटे क्या है भैया, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू हो गए। अब क्या करोगे, एम को ऊपर लेके जाओगे, एम को ऊपर लेके जाओगे तो एम के पावर माइनस एक आ गए, एल के पावर टू गए ऊपर तो कितने आ गए भैया, एल के पावर माइनस टू हो गए, ये ऊपर गए तो प्लस हो जाएंगे, टू टू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी के पावर फोर और ए के पावर टू, ये आ गई आपकी संधारित्र की धारिता की बीमा। तो प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। तब तो अब हम अगली हेडिंग बनाते हैं भैया, अगली हेडिंग है समांतर प्लेट के संधारित्र या समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है, चलिए वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बोर्ड के पेपर से आपकी ये सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया कि आपके पेपर के दृष्टि से, आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से ये एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये प्रश्न आपके बुक पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया भैया, आपकी हेडिंग है, कौन सी हेडिंग है, समांतर प्लेट, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या संधारित्र लिख सकते हैं, ठीक है, की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आइए हम लोग क्या बना लेते हैं, एक समांतर प्लेट लेते हैं, किन्हीं दो, सॉरी, कोई दो समांतर प्लेट ले लेते हैं, बनाते हैं जरा सा, फिर आपको समझाते हैं क्या करते हैं भैया, कोई दो समांतर प्लेट ले लेते हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं कि कोई दो समांतर प्लेट हो गई, ठीक भैया, और ये आ गए भैया, कोई प्लेट क्या हो गया, पी वन हो गए, और ये कोई दूसरा प्लेट क्या हो गया भैया, पी टू हो गया। ध्यान समझिएगा, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, जो कि प्लेट पर समान रूप से क्या है भैया, वितरित है। ठीक, ध्यान से समझिएगा,
ये माइनस आवेश है, जो कि प्लेट पर समान रूप से वितरित है। और प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? स्मॉल डी मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। और प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो माने क्या मानेंगे भैया? माना दो समांतर प्लेटें, माना दो समांतर प्लेटें पी वन वह क्या है भैया? पी टू है, या ऐसे लिख लीजिएगा पी और क्या है भैया? क्यू है। तो आप उस पर जो है क्या लिख लेंगे? प्लस क्यू के बजाय क्या लिख लेंगे? ये वाले स्मॉल क्यू का यूज कर लेते हैं। तो पी वन पी वह क्या है भैया? क्यू है। पी वह क्यू है जो कि एक दूसरे के क्या है भैया? समांतर है, जो कि एक दूसरे के समांतर है। क्या है? समांतर है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? स्मॉल डी। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, ठीक। तो मानते हैं कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है? E2 है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लेट अतः प्लेटों के मध्य, या तो ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? P1 प्लेट के कारण, अतः क्या लिखेंगे? अतः P1 प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 बराबर, आपने पढ़ा होगा कि किसी प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 हो गए, समीकरण नंबर आप क्या बना लिए? एक बना लिए। इसी तरह क्या हो जाएगा? प्लेट Q के कारण क्या हो जाएगा? प्लेट क्यों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर क्या आ गया? दो बना लिए। हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बिंदु पर, प्लेटों के मध्य बिंदु पर कोई एक बिंदु C है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। तो E1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हर बराबर हैं तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा सिग्मा मिलके हो गए 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो E बराबर क्या आ गए? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिग्मा जो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, सिग्मा बराबर क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि किसके बराबर होता है? Q बटे A के। तो Q बटे A इस सिग्मा के स्थान पर रख देते हैं तो E बराबर क्या आ जाएगा? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ये आ गए E का मान। तो हमको E का मान नहीं निकालना है प्यारे बच्चों, बल्कि हमको क्या निकालना है? हमको तो विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव, क्योंकि धारिता निकालने के लिए V के मान जरूरत है। तो चलिए विभव निकालते हैं। तो विभव प्रवणता के सूत्र से, विभव प्रवणता के सूत्र से, क्या आपने पढ़ा था? विभव प्रवणता सूत्र से क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों? E इक्वल टू डी वी अपान कितना? डी आर। तो डी आर वहाँ क्या रहती थी? दूरी रहती थी। तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा विभव न लेकर डी वी को क्या मान लेते हैं? वी मान लेते हैं। और आर को क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी का मल्टीप्लाई एक से करोगे तो वी बराबर आ गए ई इंटू डी। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? चार बना लेते हैं। तो समीकरण चार में ई का मान रखने पर, तो क्या रखते हैं बच्चों? समीकरण चार में लिखते हैं, समीकरण चार में वी का मान रखने पर,
तो वी का मान रखते हैं बच्चों, तो वी का मान क्या रखेंगे, सॉरी वी का मान नहीं, समीकरण चार में ई का मान, तो ई का मान क्या है रख देते हैं, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, ई बराबर नहीं वी बराबर, तो ई के स्थान पे क्या आएगा, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है, अभी देखिए ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है भैया, ये डी है, तो क्यू डी बराबर क्या हो गए, ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं भैया, पाँच बना लेते हैं, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हमने पढ़ा है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान वी, तो यहाँ V के स्थान पे मान रख देते हैं, तो समीकरण पाँच से V का मान रख देते हैं, तो V का मान क्या है भैया, क्यू डी बटे, ध्यान समझिएगा, ये आपके Q हैं और V के स्थान पे क्या रख देंगे, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाले पोर्शन ऊपर चले जाएंगे, तो C बराबर क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और क्या है क्यू डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, तो ये आए किन्हीं भी समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता, ये जहाँ ए क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल है, अर्थात संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम लोग इससे यहाँ ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल A होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, तथा प्लेटों के बीच की दूरी D के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्लेटों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या है, D है, स्मॉल D होना चाहिए था यहाँ पर, तो प्लेटों के बीच की दूरी D के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वन अपान डी होता है, और साथ साथ में जो माध्यम भरे जाते हैं, जो प्लेटों के बीच माध्यम रहते हैं उनके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस समीकरण से ये बताया जा सकता है कि किसी भी समांतर प्लेटों के संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती तथा बीच के जो माध्यम भरे जाते हैं उनके अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए आप लोगों को हम लोग जो है अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।